हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योति इस ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी खूब अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हो गया है सुबह का आगाज और घड़ी में बज गया अभी 6:30। तो अभी हम लोग हावड़ा में ही हैं, हावड़ा स्टेशन के पास। तो अभी जैसे हम लोग 3:40 में एक बार उठे थे, उसका टाइम चेक किया, उसका फिर सुस्त हो गए थे और उठे हैं 5:30 बजे। तो मैं सोच रही अभी वीडियो स्टार्ट करूँ करके हुआ नहीं। मेरा वीडियो एडिटिंग बाकी था तो मैंने अभी वीडियो एडिट किया। और बेटा ब्रश करके आ गया है पापा के साथ। गुड मॉर्निंग बोला बेटा। गुड मॉर्निंग। जोरे बोलो। मेरे हस्बैंड का इतना धीमा आवाज है कि हम लोग ही सुन पाते हैं, आप लोग नहीं सुन पाओगे। तो अभी बेटा ब्रश करके आ गया है और बेटे को अभी ड्रेस चेंज होगा और बेटे को अभी मैं दूध चुकोस खिलाऊंगी। माथा तू लेने गिरे, मोटा खुले। तो दोस्तों, मैं अभी बेटे को फ्रेश करा देती हूँ, खिला देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से तैयार होने के बाद मिलती हूँ। मैंने अभी ब्रश नहीं किया, जाके ब्रश करूंगी, नहाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई तैयार होके। और जैसे कि अभी मैंने ग्रीन टी पी लिए हैं और ग्रीन टी पीने के बाद बेटे को भी ग्रीन टी पीने का मन कर रहा है। तो फ्लास्क में गर्म पानी लेके आई थी और वो भी गर्म पानी पी रहा है एज ए ग्रीन टी। और मेरे हस्बैंड अभी उसको पानी दे रहे हैं और हम लोग ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, पूरा पूरी ऑलमोस्ट ही, क्योंकि अभी तक कुछ सामान है जो अभी तक नहीं डाला है। खाने का लगेज है, इसमें हस्बैंड का कपड़ा है, इसमें मेरा कुछ, मम्मी पापा का कुछ है। तो मिलती है आप लोगों से बाद में। तो दोस्तों, हैदराबाद का जर्नी हमारा स्टार्ट हो चुका है। ट्रेन अभी खुल चुकी है हावड़ा स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 21 से। और हमें ट्रेन का नाम है फलकनामा एक्सप्रेस। और बेटे को भी पानी प्यास लगी है तो उसके पापा दे रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग का जर्नी जो है वो स्लीपर में होने वाला है। और स्लीपर में मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं, जितना सीट है उससे कई ज़्यादा सीट है, लोग हैं मतलब। और मेरा बेटा यहाँ पर खुद से ब्लॉगिंग कर रहा है और हम लोग करीबन आधा रास्ता नहीं करीबन थोड़ा बहुत पहुंच चुके हैं। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा वीडियो शेयर किया जाए। तो ये कुछ स्टेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। और स्लीपर में करने का रीज़न ये कि हम लोग को 3 टायर एसी में नहीं मिला और हम लोगों ने फ्लाइट में कोशिश नहीं किया, सच बात तो ये है। तो दोस्तों, बेटा अभी थोड़ा सहायता नहीं कर रहा है और हम लोग वेस्ट बंगाल से उड़ीसा स्टेट में पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो हम लोग का जर्नी लगभग थोड़ा बहुत अच्छा जा रहा है, गर्मी नहीं है, यही अच्छी बात है कि गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो उड़ीसा का नदी है, मुझे इसका नाम अभी तक अभी नहीं पता है दोस्तों। तो बहुत लंबा, बहुत चौड़ा नदी है, पता नहीं इस नदी का नाम क्या है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा शेयर किया जाए। और कुछ कुछ जगह पानी है, कुछ कुछ जगह पानी नहीं है। रीज़न बस ये है कि इस बार का जो मानसून है वो थोड़ा अभी तक दस्तक नहीं दिया है भारत में अच्छे से। बहुत सारे राज्यों में वर्षा नहीं हो रही है, जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, इन सब जगहों पे मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ट्रेन पहुँचने वाली है खुर्दा, तो खुर्दा में 20 मिनट्स रुकेगी। तो देख सकते हो खुर्दा रोड में हम लोग रुके हैं, 20 मिनट्स तो नहीं, करीबन 5 मिनट तो रुकेगी, इसलिए मैं ट्रेन से थोड़ा उतरी, मेरे हस्बैंड भी उतरे हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आंध्र प्रदेश। तो अभी मैं अपने बेटे को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, बेटे ने ब्रश कर लिया है। तो बेटा भी केक खाएगा बोल रहा है, लेकिन मैं उसे भी ब्रेड और आमलेट खिलाऊंगी क्योंकि मैंने ब्रेड और आमलेट खरीदा 20 बार से। तो अभी वो थोड़ा खा रहा है, सॉस के साथ खाएगा बोला, तो वही खिला रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को मैं बोली थोड़ा वीडियो कर दो, मेरे व्यूअर्स को पता चले कि ज्योति अभी कहाँ है। तो अभी बेटा मैं ब्रेकफास्ट करेंगे, हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करेंगे और मम्मी पापा गए हैं ब्रश करने के लिए। और सुबह का जो हालत था बाथरूम में, ठसाठस भी बाथरूम जाने का मौका ही नहीं मिला। स्लीपर का हालत है, मतलब एक बाथरूम में करीबन 10-15 लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को चांस मिला था बहुत मुश्किल के बाद, तो बस ब्रश किया और टॉयलेट करके निकल के आई किसी तरह। और अभी देख सकते हैं यहाँ का खेत, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कॉफ़ी का गार्डन है, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे आलू का गार्डन है, कुछ लोग बोल रहे हैं धान का गार्डन है। तो गॉड नोज किस चीज़ का खेत है, लेकिन खेत बहुत ज़्यादा है, खेती हुई है, बहुत अच्छा फसल उगा है, तो पता नहीं किस चीज़ का है। और मुझे तो ये झारखंड से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ देखो वहीं पहाड़ पर्वत मैदान, तो यही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी ये मेरे हस्बैंड का हाथ आप लोगों को दिख गया होगा, वो वीडियो कर रहे हैं। तो देख सकते हो हर जगह ग्रीनरी है और ये प्लेन है थोड़ा सा एरिया,
यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ये अच्छा भूमि है, इसलिए एग्रीकल्चर हुआ है यहाँ। तो दोस्तों अभी हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फाइनली अब लग रहा है कि हम लोग तेलंगाना पहुँच चुके हैं। तो तेलंगाना जो स्टेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग कुछ देर बाद उधर जाएंगे। और अभी का जो मौसम है वो थोड़ा चिल चिल सा ही है, लेकिन बाहर थोड़ा हल्का धूप है, हवा तेज़ चल रही है। बट तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग करीबन बहुत नज़दीक आ चुके हैं वहाँ के सिकंदराबाद के। यहाँ पे रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा है, हर जगह बाउंड्री बाउंड्री किया हुआ है। तो फाइनली हम लोग सिकंदराबाद स्टेशन पहुँचने वाले हैं एक दो मिनट में। ये है आउटर उसका, तो आउटर के साथ आप लोग के साथ मैं वीडियो को एंड नहीं मतलब वीडियो को यहीं पे ट्रेन का वीडियो सफ़र यहीं पे समाप्त करूँगी। इसलिए मैं आप लोग के साथ फाइनल जो हमारा ट्रेन का सफ़र है उसे समाप्त करने वाली हूँ। तो ये है क्वार्टर्स, ये रास्ता। तो हम लोग पहुँच गए हैं अब सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद का जो सुबह का मौसम है बहुत चिल है दोस्तों। अभी सुबह का 11:30 मतलब 12:15 हो रहा है और मेरे पापा गाड़ी से सिस्टमेटिक वे से लगा हुआ है, रास्ता एकदम क्लीन है। और ऑटो ड्राइवर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। तो मेरे पापा और मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि हम लोग इस एड्रेस में जाएंगे और ट्रेन लगी हुई है, देख सकते हो। तो वो बता रहा है, वो बता भी रहे कि मैं पहुँचा दूँगा। तो चलो हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। तो ऑटो में बैठ चुके हैं दोस्तों और हम लोग भी जाएंगे अभी अपने होटल की तरफ। तो ये भी जो भैया है ऑटो ड्राइवर भैया, वो हम लोगों को लेके जाएंगे बोल रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल तक भी लेके जाएंगे बोल रहे हैं और रूम तक भी लेके जाएंगे बोल रहे हैं। तो चलो देखा जाए। तो मैं आप लोगों के साथ सोची कि थोड़ा इस सिटी को दिखा दूँ। तो ये देख सकते हो ये बहुत अच्छा सिटी है दोस्तों, बहुत नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर जो हाइजीनिक मेंटेन बहुत अच्छे से किया गया। और रास्ते में दोस्तों सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ही गाड़ी नज़र आ रहा है, झारखंड वेस्ट बंगाल उड़ीसा का गाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ का जो स्टेट बस का कलर है वो वाइट एंड ब्लू में है, बहुत अच्छा है। लोग यहाँ पे ज़्यादातर बाइक में सफ़र कर रहे हैं और ऑटो में सफ़र कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो फोर व्हीलर में। जो मैं देख रही हूँ वही बोल रही हूँ दोस्तों। ये ऑटो भैया भी आ गए अपना ऑटो को रख के, हम लोग दूसरे ऑटो भैया के साथ बैठे, ये भी हम लोगों के साथ जा रहे हैं। तो देखा जाए कहाँ हम लोगों को लेके जा रहे हैं। तो स्ट्रीट बस का कलर देख सकते हो, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छे से हम लोगों को ले जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए अपने होटल के बाहर। तो ये रहा हम लोग का होटल। तो होटल है ताइबा। तो इसी होटल में हम लोग रुकने वाले हैं। और मदीना जो है यहाँ का अच्छा दरबार है, तो खाने का अच्छा व्यवस्था है। और ये देख सकते हो हमारा एक रूम, दो रूम लिया गया है, मम्मी पापा का अलग और हम लोगों का अलग। तो रूम में अच्छा सब कुछ है, टीवी है, बिस्तर भी साफ़ सुथरा है, अलमीरा रखा है, ये एक आईना है, यहाँ पे दरवाज़ा दिख सकता है, ये बाथरूम है। तो सब कुछ अच्छा है दोस्तों। चलो अभी हम लोग यहीं पे वेट को एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए